नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रदेव से जुड़ी एक रोचक कहानी। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एस्ट्रोसेज टीवी। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को शीतल और रूपवान ग्रह कहा गया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा बेहद चमचमाता है और अमावस्या की रात्रि में गायब हो जाता है? चंद्रमा के इस स्वभाव के पीछे है छुपी एक बेहद रोचक पौराणिक कहानी। पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 60 पुत्रियाँ थीं। इनमें से 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। अपने 27 पत्नियों में से चंद्रमा का सबसे अधिक स्नेह रोहिणी पर था। इस बात से चंद्रमा की 26 पत्नियाँ नाराज रहा करती थीं। एक बार सबने मिलकर इसकी शिकायत पिता दक्ष से कर दी। बेटियों की बात सुनकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया। इसके बाद जब राजा दक्ष का क्रोध शांत हुआ तो श्राप का प्रभाव भी कम हो गया। इस तरह चंद्रमा को श्राप और वरदान दोनों मिल गए। इसके अनुसार चंद्रमा हर महीने कृष्ण पक्ष की तिथियों में क्षीण हो जाता है, यानी उसका प्रकाश और प्रभाव कम रहता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की तिथियों में चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशवान रहता है। माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से चंद्रमा पर कलंक लगा है जो आज तक दिखाई देता है। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धर्म और ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एस्ट्रोसेज टीवी। इसके अलावा डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त।